18 साल से कम उम्र के बालक बालिकाओं के लिए वाहन चलाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। वाहन चलाते पकड़े जाने पर वाहन देने वाले पर 25,000 रुपए का जुर्माना सहित 3 साल की जेल का आदेश पारित किया गया है। यह आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से जारी किया गया है। इसमें सभी बोर्ड के छात्र छात्राएं मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि उम्र के हिसाब से समझदारी बढ़ती है, इसलिए यूपी सरकार ने एक फैसला लिया है कि 18 साल से कम उम्र के छात्र व छात्राओं के दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल ऐसा देखा जा रहा था कि बच्चे ध्यान रखे बिना तेज व गलत तरीके से वाहन दौड़ाया करते थे। इसी कारण अब 18 साल पार करने के बाद ही वे जब बड़े हो जाएंगे तो तभी वाहन अपनी मर्जी से चला सकेंगे। परिवहन विभाग ने सख्ती से इस आदेश का पालन कराने का निर्णय लिया है। ऐसे में समस्त जिलों के अधिकारियों को भी इसके लिए आदेश जारी हो गए हैं। एक्सीडेंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए परिवहन विभाग ने यह फैसला लेते हुए सभी संबंधितों को निर्देशित किया है। वहीं अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने भी सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को यह पत्र लिखा है और साथ ही माता पिता को भी यह ध्यान देने की जरूरत है। सरकार की ओर से वाहन स्वामियों के भी सख्त निर्देश जारी हुए हैं। बता दें कि अगर कोई अभिभावक 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई भी वाहन चलाने के लिए देगा तो उसका जिम्मेदार वह खुद होगा। ऐसे में अगर नाबालिग छात्र या छात्रा पकड़े गए तो इसके लिए माता पिता को दोषी मानकर कार्यवाही की जाएगी। माता पिता पर 25,000 का जुर्माना लगाने के आदेश हुए हैं और साथ ही अगर उन्होंने छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए दिया या फिर घर से बाहर भी अगर किसी ने अपनी बाइक या गाड़ी चलाने को दी तो उसे 3 साल तक की सजा भी हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। और यह निर्णय दुर्घटनाएं रोकने के लिए लिया गया है। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।